कल्याण ग्रामीण के दावड़ी गांव में जमीन के सर्वे का विवाद पैदा हो गया है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि बिल्डर द्वारा किए जा रहे जमीन के सर्वे में स्थानीय पुलिस मदद कर रही है। ग्रामीण किसानों का आरोप है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी पैतृक जमीन हड़पने की साजिश हो रही है। इसमें बिल्डर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसीलदार और भूमि अभिलेख अधिकारियों की आपसी मिलीभगत है। इस मामले को लेकर शेतकरी भूमिपुत्र अन्याय निवारण समिति ने ठाणे जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध मोर्चा निकालकर प्रशासन तथा सरकार से मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। समिति का आरोप है कि इस मामले में 600 करोड़ का घोटाला किया गया है। वर्ष 1930 से यह जमीन स्थानीय किसानों की है, लेकिन बिल्डर सेटिंग मेटिंग कर जमीन हड़पने में जुटे हैं। समिति का कहना है कि दावड़ी स्थित जमीन सर्वे नंबर 105, 110 से लेकर 125 तक स्थानीय किसानों की है। इसको लेकर मामले न्यायालय तथा प्रांत अधिकारी के पास लंबित है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में पुलिस बिल्डर का साथ दे रही है। उपरोक्त जानकारी देते हुए सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समिति के गणेश मात्रे, डॉक्टर बाबा साहब परिवर्तन पक्ष के कल्याण डुम्बली जिलाध्यक्ष सोमनाथ मात्रे ने आरोप लगाया कि स्थानीय किसानों को भूमिहीन बनाने की साजिश की जा रही है। समिति के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में निवासी उप जिलाधिकारी वंदना सूर्यवंशी को निवेदन देकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मुझे यहाँ अधिकाऱ्यांनी संविधानाची संपूर्ण संविधानाच्या तरतुदी पायमल्ली केलेली आहे। त्यांना अधिकार असताना संविधानामध्ये घोषणेमध्ये अधिकार नसताना ज्या एकूण जे 43 जी कुळ आहे, 26 कुळ आहे, ते कमी केलेली आहे। आणि असा महाघोटाळा या महाराष्ट्रात घडलेला आहे। हा महाघोटाळा मित्रांनो, हा महाघोटाळा 600 कोटीचा हा महाघोटाळा, जमीन घोटाळा महाघोटाळा झालेला आहे। यांनी सुपारी घेऊन, आमदारांची सुपारी घेऊन यांची 26 कुळं कमी केली। आणि ह्या महाघोटाळ्याची शासनाकडून सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी आणि दोन्ही अधिकारी त्वरित बडतर्फे करावे अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे केलेली आहे।